एवरीवन, सो अब हमारे जो सारे लेक्चर्स थे क्लास 11th की बुक के, तो अपन ने सारे लेक्चर्स में अपने सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए। अब बच्चे कह रहे हैं मैडम आप पोयम नहीं पढ़ा रहे हो, तो अब पढ़ाएंगे ना, चैप्टर्स अपने खत्म हो गए, चैप्टर्स की टेंशन अपने ऊपर से चली गई, अब अपन पढ़ेंगे सारी पोयम्स आराम से, ठीक है। पूरा पोयम देखेंगे अपन, लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी आपको, ताकि बिल्कुल अच्छे से सिम्बॉलिकल मीनिंग क्या है, क्या पोइट कहना चाहता है, पोइट के दिमाग में क्या था जो उसने ऐसी चीजें लिखी, अपन सब कुछ डिस्कस करेंगे, ताकि पोयम जो है अपनी टिप्स पर हो जाए। कोई कुछ भी पूछ ले कि इस लाइन में लिटरेरी डिवाइस बताओ, तो वो भी आप एक मिनट में बता सको, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। लास्ट में अपन लिटरेरी डिवाइस देखेंगे और उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज की पोयम का नाम क्या है? अ फोटोग्राफ, मतलब कि एक तस्वीर। तो अब ये तस्वीर है किसकी? ये तस्वीर है शर्ले टॉल्सन ने, अपनी जो राइटर है उन्होंने, पोएट है जो, उन्होंने ये जो पोयम लिखी है। तो ये पोयम कैसे लिखी है कि उनके ना घर में, मैं आपको बताऊं, एक फोटो लगी हुई थी, और वो फोटो लगी हुई थी उसकी मम्मा की, और फोटो का जो फ्रेम था वो किससे बना हुआ था? वो बना हुआ था कार्डबोर्ड का, मतलब गत्ते का। अब अगर कार्डबोर्ड का बना हुआ है, तो कार्डबोर्ड का बना हुआ है, इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई बहुत पुराना है, ठीक है, आज से बहुत टाइम पुराना है। जब कार्डबोर्ड में फोटोज लगाई जाती थी, ऐसे फ्रेम नहीं होते थे, मतलब फोटो बहुत पुरानी है, ये अपने को समझ में आ गया। और फोटो है किसकी? जिसने ये लिखी है ना अपनी पोयम, उसकी मम्मा की बचपन की फोटो है। जिसने ये पोयम लिखी है, शर्ली टॉल्सन ने जो ये पोयम लिखी है, इनकी मम्मा की बचपन की फोटो है, समझ में आ गई। और फोटो लगी हुई है कार्डबोर्ड में, ये चीज याद रखनी है, दो इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। अब देखो क्या कह रहा है, द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब क्या है यहां पर बच्चों? कार्डबोर्ड का मतलब है यहां पर फोटो फ्रेम, ठीक है। कार्डबोर्ड क्या है यहाँ पे? फोटो फ्रेम। तो वो कह रहे हैं कि वो जो फोटो फ्रेम है और उसके अंदर जो फोटो लगी हुई है, वो मुझे क्या दिखा रही है? हाउ इट वॉज, कि ये सब कैसा था, मतलब वो जो मोमेंट था, वो जो उस समय उनका, उनकी जो हैप्पीनेस थी उस फोटो के अंदर, जिस मोमेंट की फोटो ले रखी है, कैसा था। जब वेन द टू गर्ल कजिन, मतलब कि जो दो लड़कियां थी और वो उसकी मम्मा की कजिन्स थी, ठीक है, उनके चाचे ताऊ की बेटी होगी। तो देखो यहां पे मान लो कि ये है अपनी ऑथर की मम्मा और ये है उसकी दोनों कजिन्स, समझ में आ गया। ये लोग हैं बीच पर मजे करने गए हुए हैं। वेंट पैडलिंग, वेंट पैडलिंग मतलब वो वहां पर चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? बीच के ऊपर चल रहे हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और दोनों ने, मतलब एक लड़की ने यहां से मेरी मम्मा का हाथ पकड़ा, एक ने यहां से, जैसे इसमें इन दोनों ने एक एक हाथ पकड़ रखा है ना, वैसे ही। तो वो पिक्चर डिस्क्राइब कर रही है अपने को कि किस तरीके की पिक्चर है। तो वो कह रही है कि हर एक ने मेरी मम्मा का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो, और इनमें सबसे बड़ी कौन है? एंड शी द बिग गर्ल, ये कौन है? ये ऑथर की, ऑथर की मॉम है, ठीक है, जो इस फोटो में 12 साल की हैं। कब की हैं? 12 इयर्स की हैं, और ये सबसे बड़ी हैं। बिग गर्ल मतलब इन दोनों से, जो बाकी की दोनों लड़कियां हैं ना, इन दोनों से बड़ी हैं एज में। ये चार लाइन आपको समझ में आ गई? आई कि नहीं आई जल्दी से बताओ मुझे, अगर समझ में आ गई है तो बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक उसने क्या बताया अपने को? कि भाई एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर एक तस्वीर लगी हुई है, कार्डबोर्ड के अंदर तस्वीर किसकी है? उसकी मम्मा की बचपन की तस्वीर है, जब वो लोग गए होंगे मस्त गोवा वाले बीच पे घूमने के लिए, ठीक है। तो वहां पे दोनों कजिन्स ने क्या हुआ है, एक एक हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है उसकी मम्मा का, और उन तीनों में उसकी मम्मा सबसे बड़ी है, जिनकी एज क्या है? 12 साल, 12 इयर्स। 12 साल से रिलेट करके वो एक और चीज बताएंगे, तो ये चीज याद रखनी है कि उसकी मम्मी की उम्र कितनी है। आगे बढ़ते हैं, देखो। All three stood still to smile through their hair. All three मतलब तीनों cousins, मतलब कि all three मतलब तीनों cousins including Shirley's
मदर, मदर, ठीक है, शौली मतलब अपनी पोइट्स, ठीक है, उनकी मम्मा को इंक्लूड करके ये तीनों थे. तो ये तीनों स्टूड स्टिल, स्टिल मतलब मोशनलेस खड़े हुए हैं, कोई भी हम कह सकते हैं कि वो लोग हरकत नहीं कर रहे हैं, जैसे हाथ हिला रहे हो, नहीं, फोटो में कैसे हैं, वो तीनों हाथ पकड़ के स्टिल खड़े हुए हैं, स्माइल थ्रू देयर हेयर. अब हवा चल रही होगी तो उनके बाल उड़ रहे होंगे, मस्त उनके बाल उड़ रहे हैं, और उन बालों में से उनका हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है. एट द अंकल विद द कैमरा. अब वो लोग किसकी तरफ देख के हंसते हैं? अब आपके सामने कोई खड़ा है, वो आपकी फोटो खींच रहा है, तो आप उस कैमरे की तरफ देखकर स्माइल करते हो, बढ़िया सी फोटो आ जाए ताकि, ठीक है. तो यहाँ पे वो लोग किसकी तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं? उनके जो अंकल उनके साथ आए थे, जो उनकी फोटो खींच रहे थे, उसको देख के वो लोग कैमरे की तरफ देख के मस्त ऐसे चीज वाली स्माइल कर रहे हैं. अ स्वीट फेस, एक बहुत ही प्यारा चेहरा. स्वीट मतलब प्यारा चेहरा. माई मदर्स, मेरी माँ का. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. जो कि कब का है? वो तब का चेहरा है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. कब का है वो इतना प्यारा सा चेहरा मेरी मम्मा का? मतलब मेरी मम्मा के बचपन का है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस. अब इसका देखो क्या मतलब है ये, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, मतलब यहाँ पे जो सी है वो किससे रिलेटेड है? नेचर से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? नेचर से रिलेटेड है. तो नेचर जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, वो टेम्परेरी नहीं होता है, वो परमानेंट होता है, ठीक है, वो उसका कभी अंत नहीं हो सकता. लेकिन हम इंसान जो है वो हम एक दिन मर जाते हैं, हमारी तो डेथ हो जाती है ना. सी की डेथ तो नहीं होती, वो चेंज नहीं होता, वो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, ठीक है, उसका वो ना जिंदा है ना मृत्यु उसको मिल सकती है, तो इस तरीके का उसका कोई भी सीन नहीं होता. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नेचुरल चीज थी, जो सी था, वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं है. लेकिन वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीस. टेरिबली ट्रांजिएंट मतलब टेम्प्रेरी. टेम्प्रेरी फीट क्या बोल रही है कि उसकी जो मम्मा है वो एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ना एक दिन मर जाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं, एक सर्टेन एज तक जिंदा रहते हैं. तो यहाँ पे कंपैरिजन किसका किया गया है? ह्यूमन बीइंग्स का और नेचर का. किसका कंपैरिजन किया गया है? ह्यूमन बीइंग्स का और नेचर का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है. ह्यूमन बीइंग एंड नेचर. तो नेचर यहाँ पे क्या बताया है? परमानेंट बताया है ना, और ह्यूमन बीइंग क्या बताया है? टेम्परेरी. अब ऐसा क्यों बताया है? तो वो क्या कह रहा है कि वो जो सी है उसका जो पानी है वो बहकर आ रहा था, और मेरी मम्मा के जो पैर हैं, जो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, मतलब कि अब उसकी मम्मा नहीं रही, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, जो टेम्परेरी थे, मतलब कि एक ना एक दिन वो ह्यूमन बीइंग थी, तो उनकी डेथ होती थी, मतलब डेथ होनी लिखी थी, जो कि अब हो भी चुकी थी. तो वो कह रहे हैं कि उस सी ने, जो नेवर एंडिंग सी है, उसने मेरी मम्मा के टेरिबली ट्रांजिएंट फीस, जो मतलब टेम्परेरी फीट थे, वो वॉश किए, मतलब पानी इस तरीके से बह रहा था. ये वाली लाइन समझ में आ गई? ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया? आगे बढ़े, देखो. सम 20-30 ईयर्स लेटर. अब वो कह रही है कुछ 20-30 साल बाद, She would laugh at the snapshot. वो उस snapshot पे, snapshot मतलब फोटो पे, कह रही है कि कुछ 20-30 साल बाद वो उस फोटो को देखकर हंस रही होगी. हंस रही थी मतलब वो कह रही है कि 20-30 साल बाद मेरी मम्मा वो जो मोमेंट कैप्चर किया था उसको देख के हंस रही थी. मतलब उसकी मम्मा अपने पास्ट मोमेंट, ठीक है, जो हैप्पी मोमेंट थे उन्हें देखकर खुश हो रही थी, को याद करके खुश हो रही थी, और अब हमारी जो ऑथर हैं, सी बेटी एंड डॉली,
अब वो उसकी मम्मा क्या है उस फोटो को देख के खुश हो रही है और वो क्या बोल रही है, बेटी और डॉली। अब अपन में से तीन कजिन्स में से अपने को पता चल गया उन दोनों कजिन्स का नाम जिन्होंने एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो यही कह रही है कि एक बेटी और एक डॉली, और वो क्या बोलती है कि देखो बेटी और डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे। और वो यहाँ पे क्या बता रही है कि देखो बेटी और डॉली को देखो कि कैसे हमारे मम्मी पापा हमें अजीब से कपड़े पहनाया करते थे और बीच पर लेकर जाया करते थे, और वो जो हॉलीडे का टाइम था, वो जो वेकेशन का टाइम था जिसपे वो अपने कजिन्स के साथ और अपने अंकल के साथ बीच पर छुट्टियां मनाने गई हुई है और वो बहुत खुश है। तो वो उस फोटो को देखकर कि भाई मैं जब 12 साल की थी, तो उस मोमेंट को, मतलब वो अपने पास्ट मोमेंट को देखकर खुश हो रही हैं, हंसी आ रही है उनको, वो हंस रही हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। और ये चीज कौन याद कर रही है, ये चीज हमारी ऑथर याद कर रही है। मतलब इसमें सीन क्या हुआ कि ऑथर की मम्मी अपने पास्ट मेमोरी को याद करके खुश हो रही है, ठीक है, उनके लिए अच्छी मोमेंट क्या है कि वो अपने पास्ट मेमोरी को याद करके खुश हो रही है, और हमारी ऑथर के लिए जो खुशी वाला पल क्या था कि वो अपनी मम्मी का लाफ्टर याद करके, मतलब अपनी मम्मी की खुशी याद करके कि ना उन्होंने ये फोटो देखी, वो हंसी और वो ऐसे बोली कि बेटी और डॉली को देखो कैसे कपड़े पहनाए हुए हैं ना बीच पे लाने के लिए। तो दोनों ही अपनी पास्ट को याद कर खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों में कितना ज्यादा ये चीज थी कि अब हम वो जो पास्ट का मोमेंट है या जो भी वो पल था जो फोटो में कैप्चर्ड है, वो अभी हम नहीं जी सकते वापस। क्यों? क्योंकि अब उसकी मम्मा नहीं रही है, तो इस वजह से ना तो उसकी मम्मा अपना पास्ट मोमेंट जी सकती थी वापस से, क्योंकि अब वो बड़ी उम्र की हो गई थी और उस फोटो में वो 12 साल की थी, और ना ही हमारी जो पोएट है ये वो पास्ट वाला मोमेंट जी सकती है क्योंकि अब उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी। समझ में आई ये बात? आगे बढ़े। वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब कह रहे हैं, देखो पिछले वाले से कनेक्ट करते हैं इसे, द सी हॉलीडे, वो जो सी हॉलीडे था जब हम सी पर घूमने गए थे, बीच पर घूमने गए थे, तो वो जो हॉलीडे था वो मेरी मम्मा का पास्ट था। हर यहां पर कौन है? मदर ऑफ पोएट, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जो सी हॉलीडे था वो मेरी मम्मा का पास्ट था जो मैंने आपको अभी बताया, एंड माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उनकी वो खुशी, उनकी वो हंसी जो है वो मेरा लाफ्ट, मतलब मेरा जो पास्ट है वो उनकी खुशी है, वो जो लाफ्टर है वो जो उस फोटो को देख के खुश हो रही थी वो मेरा पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, वो कह रहा है बोथ राय, मतलब हम दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। किस बात पे? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब कि हम दोनों ही वो जो लॉस की फीलिंग होती है जो हमारे पास, मतलब जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है, जैसे उसकी मम्मा के पास क्या नहीं था, वो बचपन नहीं था अब जिसे वो जी रही थी और वो खुश हो रही थी और वो फोटो में देख रही थी, और ऑथर के पास, पोएट के पास क्या चीज नहीं है, पॉइंट के पास उनकी अब मम्मा नहीं है जो उस फोटो को देख के खुश हो रही थी और उसे खुश देख के वो हमारी पॉइंट खुश हो रही थी। समझ में आ गया? चलो, राय आयरोनिक मॉकिंग, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स। अब वो यहां पर क्या कह रहे हैं कि शी हैज बीन डेड मेनी इयर्स, मतलब उनकी डेथ हो गई है और कितने टाइम तक, मतलब कब उनकी डेथ हुई है, कम से कम 12 साल, क्योंकि उसकी मम्मा क्या थी, फोटो में 12 साल की थी, और अब जो समय हो गया है उस चीज को भी 12 साल हो गए हैं, उस चीज को 12 साल हो गए, मतलब उसकी मम्मा की डेथ हुए हुए भी 12 साल हो गए हैं, राइट। तो देखो, यहां पर पिछले वाले में अपन क्या देख रहे थे कि बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अब ये लेबर्ड ईज जो है यहां पर ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, एक लिटररी डिवाइस होता है, लिटररी डिवाइस होता है, और इस ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है, जब हम दो ऑपोजिट वर्ड, लेबर्ड मतलब यहां पर क्या है, कोई काम जो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जिसमें बहुत मेहनत लगती है, एंड ईज, ईज मतलब जो चीज आसान होती है, ठीक है। तो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस कि भाई हम एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन में है कि हम दोनों, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है ना उनकी सिचुएशन, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस,
हम दोनों जो है वो परेशान है क्योंकि हम दोनों की कंडीशन जो है वो ऑपोजिट हो गई है कि वो भी ये चीज नहीं कर सकती थी, वो उनका पास्ट था और अब मैं नहीं कर सकती तो ये मेरा पास्ट है. राय आयरोनिक मॉकिंग. नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. कि अब उन्हें मरे हुए कितना समय हो गया है. डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. 12 साल हो गए हैं क्योंकि उस फोटोग्राफ के अंदर उनकी मम्मा की एज कितनी थी, 12 साल की थी. तो वो इसीलिए बता रही है कि फोटोग्राफ के अंदर जितनी एज थी उनकी, अब उन्हें मरे हुए कम से कम उतने ही साल हो चुके हैं. देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. वो कह रही है इट्स साइलेंस साइलेंसेस की केवल शांति ही शांति है. क्यों? क्योंकि उसकी मॉम जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है. ये बात समझ में आ गई. इतनी सी पोयम है अपनी, ठीक है. अगर अब आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है पोयम में तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मैं आपको वो वाला पैराग्राफ जो है वो वापस से एक्सप्लेन कर सकूं जल्दी से. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बताओ कौन सा वाला जो पैराग्राफ है वो आपको समझ में नहीं आया. कौन सा पैराग्राफ आप लोगों को समझ में नहीं आया? ऑक्सीमोरॉन मैंने बताया ना कि दो ऑपोजिट. देखो मैं आपको यहां पर समझाती हूं. अ टर्म विच कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ. एक ऐसी टर्म होती है जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है एक दूसरे को. जैसे कि लेबर्ड. लेबर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो. और ईज मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा आसानी. तो लेबर्ड ईज का मतलब क्या है? एक ऐसा फ्रेज जो कि कंबाइन करता है दो ऑपोजिट वर्ड को एक दूसरे से. एक ऐसा फ्रेज या एक ऐसा हम कह सकते हैं जैसे अब लेबर्ड इज है ना, ये एक फ्रेज है और इसमें दोनों चीजें क्या है? ऑपोजिट है. लेबर्ड वर्ड ऑपोजिट, लेबर्ड वर्ड और इज जो है वो दोनों के ऑपोजिट है. अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि अपन बोल देते हैं, बहुत सी बार अपन बोलते हैं दिस इज, किस तरीके से हम एग्जाम्पल दें. जैसे गुड ग्रीफ अगर अपन देखें, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. गुड ग्रीफ, ठीक है. तो गुड का मतलब क्या होता है? गुड का मतलब होता है अच्छा और ग्रीफ मतलब बुरा. तो दोनों चीज ऑपोजिट है ना. जो ग्रीफ मतलब दुख होता है, राइट. तो दुख जो है वो अच्छा तो नहीं हो सकता. तो गुड ग्रीफ क्या हुआ? एक बहुत ही ऐसा फ्रेज हुआ जो दो ऑपोजिट वर्ड्स से मिलकर बना है और दोनों ऑपोजिट वर्ड जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है. चलो तो लिटरेरी डिवाइस अपने को ऑक्सीमोरॉन तो समझ में आ गया. मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि ऐसा कौन सा पार्ट है पोयम में जो अभी आपको समझ में नहीं आया है ताकि वो मैं आपको वापस से बता सकूं. लास्ट पैराग्राफ, ठीक है. मैं आपको लास्ट पैराग्राफ बताती हूं. देखो, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. मतलब कि नाउ शी हैज बीन डेड. अब उनकी डेथ हो गई है और उनकी डेथ को हुए कितना समय हो गया है? 12 साल हो गए हैं. शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. एज दैट गर्ल लिव्ड मतलब कि उस फोटो में जितने साल की उसकी मम्मा है ना, उतने ही साल उसकी मम्मा को हो गए हैं अभी मरे हुए. ये बात समझ में आ गई. उतने ही साल उसकी मम्मा को क्या हो गए हैं? उनकी अभी डेथ हुई है तो उतने साल ही उनको मरे हुए हो गए हैं. तो ये बोल रही है कि नियरली अब 12 साल मेरी मॉम की डेथ को हो गए हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस. और अब इन परिस्थितियों में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं कहूं. क्यों? क्योंकि ना ही तो मेरे पास मेरी मम्मा है. केवल मैं उनका अब पास्ट, उनका वो लाफ्टर याद करके सिर्फ खुश हो सकती हूं, सिर्फ या दुख मना सकती हूं कि अब मेरे पास मेरी मां नहीं है. और मेरी मां जो उस समय फोटो को देखकर दुख मना रही थी या खुशी मना रही थी, हंस रही थी कि देखो जब मैं इतनी छोटी थी, मैं 12 साल की थी, तो किस तरीके से भाई हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें ड्रेसअप करते थे. और वो ये सोच रही थी कि अब मैं मेरा वो पास्ट वाला मोमेंट नहीं जी सकती. तो दोनों के साथ यही हो रहा है. दोनों अपने पास्ट मोमेंट्स को वापस से जो है जी नहीं सकते, ठीक है.
शुरू का लाइन, पैराग्राफ स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग का देखो. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग. स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है, इसकी ये जो स्टार्टिंग की लाइन है, ये हमें क्या बता रही है कि जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मतलब गत्ते का बना हुआ है, मतलब फोटो बहुत पुरानी है, ठीक है. और मैंने आपको बताया कि उसकी मम्मा की फोटो उस गत्ते के फ्रेम में लगी हुई है, और उसमें उनकी जो फोटो लगी है वो तब की है जब उसकी मम्मा 12 साल की थी. जब उसकी मम्मा 12 साल की थी तब की फोटो इसमें लगी हुई है. तो वो कह रहे हैं जो कार्डबोर्ड है वो क्या शो करता है मुझे, हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, कि वो याद कर रही हैं उस पास्ट मोमेंट को फोटो देख के, कि और उस टाइम ऐसा हुआ था ना. तो कह रही यार कैसा था ना, कि भाई वो जो दोनों लड़कियां थी, कौन, बेटी, दोनों लड़कियों का नाम क्या था, बेटी और डॉली. तो वो कहती हैं ये जो दोनों लड़कियां थी, मेरी जो दोनों कजन्स थी, बेटी और डॉली, वेंट पैडलिंग, कि हम लोग वॉक कर रहे थे कहां पर, बीच के ऊपर, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड्स, और उसमें से एक ने इधर से मम्मी का हाथ पकड़ा था, एक ने इधर से मेरी मम्मा का हाथ पकड़ा हुआ था, ठीक है. तो ये मोमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रही है. चलो ठीक है, अब मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस बताती हूँ. एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं विच इज आयरोनिक, तो वो आयरोनिक क्यों बोल रही है इस चीज को. आयरोनिक मतलब क्या होता है, कि हम रियलिटी जो सोचते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि ये होगा लेकिन होता, रियलिटी बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है, राइट. सो ये एक आयरोनिक चीज होती है, कि अपन सोच रहे हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे होनी चाहिए लेकिन होता उसका बिल्कुल उल्टा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं दिस इज रियली आयरोनिक, ठीक है. तो यहाँ पे आयरोनिक क्या है, कि वो भी अपने पास्ट को याद कर रही है, याद कर रही है, मतलब कौन, पोइट की मम्मा भी अपने पास्ट को याद कर रही है, और हमारी पोइट भी जो है वो अपने पास्ट को याद कर रही है. पोइट की मम्मा क्या याद कर रही है, कि भाई वो जब 12 साल की थी तो उस समय कैसा था, कितना एंजॉय कर रहे थे वो, हॉलीडे पे कितने मजे आ रहे थे. और हमारी यहाँ पर जो क्या नाम है इसका, पोइट है, शर्ले है, वो भी यही याद कर रही है कि कैसे मेरी जो मम्मा थी वो इस फोटो को देख के हंस रही थी. तो सिमिलैरिटी इनमें क्या है, कि दोनों ही अपने पास्ट को याद करके खुश हो रही हैं, लेकिन एक चीज ये है कि दोनों ही अपने पास्ट में वापस से नहीं जा सकती, या पास्ट मोमेंट्स को नहीं जी सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो एक ना एक दिन मर जाते हैं, और जो सी होता है, जो बीच होता है, जो भी नेचुरल चीजें होती हैं वो बहुत लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है. अब देखो एलिट्रेशन क्या होता है. एलिट्रेशन क्या होता है, जब अपन ये जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है ना, ये बार बार रिपीट होती है. कॉन्सोनेंट साउंड जो है ये हमें बार बार रिपीट होती दिखाई दे, जैसे पास ही होने चाहिए, मतलब किसी भी लाइन के अंदर. अब जैसे यहां पे है स्टूड और स्टिल, दोनों किससे शुरू हो रहे हैं, एस से स्टार्ट हो रहे हैं. दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एस से स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये क्या हो गया है, एलिट्रेशन. क्या हो गया है, एलिट्रेशन, ठीक है. पास पास में ही होने चाहिए, दूर नहीं होने चाहिए एक दूसरे से. अगर क्लोज वर्ड्स हैं और सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है. अब एक जगह और है, दैट इज टेरिबली ट्रांजिएंट, तो ये भी टी से शुरू है, ये भी टी से शुरू है, तो यहां पर भी एलिट्रेशन है, ठीक है. आगे देखें, माय मदर्स और साइलेंस साइलेंसेस, साइलेंस साइलेंसेस तो अपने को लास्ट में दिखी गया था, ये रहा एस और एस, तो यहां पर भी क्या है, एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, ये सब ना कुछ बहुत ही कॉमन लिटरेरी डिवाइस होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है. इनका तो पता होना ही होना चाहिए. आगे देखते हैं, ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा फ्रेज होता है जो उसमें उसके उस फ्रेज के अंदर क्या होते हैं, दो ऑपोजिट वर्ड होते हैं, ठीक है. एक वर्ड ऐसा होता है, एक वर्ड ऐसा होता है. जैसे मैंने आपको बताया गुड ग्रीफ, प्रिटी अगली, अगर अपन ऐसे एक वर्ड लें कि प्रिटी अगली, ये एक फ्रेज ले लिया अपन ने, तो ये दोनों जो है वो क्या है, ऑपोजिट है, तो इनका कोई एक सिंबॉलिक मीनिंग निकल कर आता है, ठीक है. अब एपिथेट कहां पर यूज हुआ है, एपिथेट मतलब होता है फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी ऑफ पर्सन और समथिंग, एक ऐसा फ्रेज जो क्या एक्सप्रेस करता है, क्वालिटी एक्सप्रेस करता है किसी भी इंसान की या किसी भी चीज की,
जैसे कि टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये यूज हुआ था। तो फीट के लिए मतलब पैरों के लिए, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी क्या क्वालिटी बताई गई थी कि भाई वो टेम्परेरी होता है, ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्ड के अंदर वो परमानेंट नहीं होता। तो ये क्या हो गया, एपिथेट। कौन सा हुआ ये लिटरेरी डिवाइस, एपिथेट लिटरेरी डिवाइस हुआ यहां पर। समझ में आ गया ये चीज। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछती हूं, उनके जवाब आप मुझे दोगे फटाफट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम, व्हाट वाज दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, कि अपना जो ये कार्डबोर्ड वर्ड था ये क्या बताता है। पोयम के स्टार्टिंग में अपन ने देखा कि कार्डबोर्ड वर्ड यूज किया गया है कहां पर, यहां पे देखो। तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम, ये जो कार्डबोर्ड वर्ड है ये क्या डिनोट करता है पोयम में, और व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड, और ये वर्ड यहां क्यों यूज हुआ है, सवाल है मेरा। जल्दी से इसका जवाब दो कि फर्स्ट लाइन में कार्डबोर्ड वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्या डिनोट करता है कार्डबोर्ड वर्ड यहां पर, और इसका यूज क्या है इस लाइन के अंदर। अब मुझे बता सकते हो कार्डबोर्ड का क्या क्या मतलब है। अभी आपने बोला था कि मैम फर्स्ट लाइन वापस से बताओ, मैंने वापस से भी बताई, अब जल्दी से मुझे बताओ कार्डबोर्ड का क्या मतलब है, क्यों यूज करा है यहां पे। तो कार्डबोर्ड एक तो साफ साफ लिखा हुआ है मैंने यहां पे, देखो सबसे पहली बात, कार्डबोर्ड यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, फोटो फ्रेम। कार्डबोर्ड क्या डिनोट कर रहा है, फोटो फ्रेम। और यहां पर क्यों ये यूज किया गया है, ये दिखाने के लिए कि जो भाई फ्रेम है वो बहुत ओल्ड है, वो बहुत पुराना है, क्योंकि वो उसकी मम्मा के टाइम का, जब उसकी मम्मा 12 साल की थी तब का दिखाने के लिए, इसीलिए उसको कार्डबोर्ड बताया गया है कि भाई कार्डबोर्ड में तब फोटोज लगाया करते थे, ठीक है। इसीलिए ये बताने के लिए कि वो कितनी पुरानी पिक्चर है, ये दिखाने के लिए वो वहां पर कार्डबोर्ड वर्ड जो है वो यूज किया गया है। समझ में आ गया। अब ये बताओ, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने क्या कैप्चर किया, ये मुझे बताओ फटाफट। कैमरा ने क्या चीज जो है वो कैप्चर की थी, क्या था फोटो के अंदर, क्या था फोटो, कैसे पता चलेगी अपने को कि उस फोटो फ्रेम में, कार्डबोर्ड की फ्रेम में जो फोटो लगी हुई थी उसमें क्या चीज थी। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था ना, ये देखो यहां पर आप देख सकते हो, ऑल थ्री, तीनों हैं वो कौन, कजिन्स स्टैंड स्टूड स्टिल टू स्माइल, वो वहां पर खड़ी हुई थी बिल्कुल और स्माइल कर रही थी, उनके बाल उड़ रहे थे उसमें से वो स्माइल कर रही थी। खड़ी कहां पर हुई थी, बीच में खड़ी हुई थी, कहां पर, बीच के ऊपर वो लोग खड़े हुए थे, और उनके अंकल जो है वो उनकी फोटो खींच रहे थे, और उसकी मम्मा जो है वो 12 साल की थी, और जो दोनों बाकी की कजन्स हैं उन्होंने एक ने इस साइड से और एक ने इस साइड से उनका हाथ पकड़ा हुआ था। समझ में आ गई ये बात। तो कैमरा ने क्या कैप्चर किया, उन तीनों लड़कियों को कैप्चर किया जिनके बाल उड़ रहे हैं, एक एक हाथ पकड़ा हुआ है और वो लोग स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि What has not changed over the years does just suggest something to you, कि बहुत सालों तक, इतने साल हो गए सब चीजों को, हमारी जो पोइट की मम्मा है उनकी भी डेथ हो गई, तो एक बात बताओ कि इतने सालों में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदली। पूरी पोयम में हमें बताया गया है ना, और जो स्लाइड आपके सामने है इसमें भी है इसका आंसर, कि इतने सालों में कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं बदली, कौन सी चीज थी जो नहीं बदली। उसकी मम्मा वो तो चेंज हो गई थी, बिल्कुल चेंज हो गई थी, तो क्या चीज थी, बेटी और डॉली थे या फिर उसकी मम्मा थी या पोइट थी या फ्रेम था, क्या, कौन सी चीज मैंने आपको बताई थी जो नहीं बदली, जो परमानेंट थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो परमानेंट थी। तो वो चीज थी नेचर, मतलब कि हमारा सी, मैंने यहां लिखा हुआ है ना कि वो परमानेंट था। सी क्या था, नेचर क्या है, परमानेंट है। तो वो यहां पर यही बता रहे हैं कि जो नेचर है वो परमानेंट है, वो इतने सालों में भी नहीं बदला, लेकिन जो मेरी मम्मा थी और जो उनकी दोनों बहनें थी वो अब बड़ी हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। तो सी यहां पर क्या सिंबलाइज करता है, सी यहां पर सिंबलाइज करता है इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी मतलब वो अमर है, ठीक है, अमर नाम का लड़का नहीं है, वो अमर है, मतलब कि वो कभी नहीं मरेगा। सी हैज नॉट चेंज, राजेश कुमार वेरी गुड, सी हैज नॉट चेंज, सी जो है वो नहीं बदला, मतलब केवल सी की बात ही नहीं है, इसमें कहना ये चाहते हैं कि जो हमारा नेचर है, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, वो समय के साथ नहीं बदलती, लेकिन हम जो हैं, हम मॉर्टल हैं, हम मर जाते हैं, हम अमर नहीं है, राइट। सो लाइफ जो है, लाइफ परमानेंट नहीं होती, लाइफ इज नॉट परमानेंट, लाइफ परमानेंट नहीं होती।
ठीक है, ये बात समझ में आ गए। तो पोएट जो है वो यहाँ पर उदास क्यों थी, क्योंकि उसकी मम्मी को मरे हुए 12 साल हो गए थे और उसके लिए वो जो फेवरेट मोमेंट था वो क्या था, उसकी मम्मा का वो लाफ्टर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे कि द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, कि जो पोएट की मम्मा थी वो उस फोटो को देख के हंस रही थी, तो उनका जो वो हंसना था वो क्या इंडिकेट करता है, उनका वो जो हंसना था वो उस फोटो को देख के हंस रही थी, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो वो जो उस फोटो को देख के हंस रही थी उनका वो हंसना क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है। मैंने यहां लिखा हुआ है साफ पहले से, जब मैंने आपको पढ़ाया कि वो अपने पास्ट मोमेंट को याद करके खुश हो रही थी, वो क्या कर रही थी, वो अपने पास्ट के जो मोमेंट है, जो उनके फेवरेट पास्ट मोमेंट थे, बीच पर जाना, घूमना अपनी कजिन्स के साथ, तो वो उस पास्ट मोमेंट को याद करके, उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स जो है वो उनको अलग अलग ड्रेसेस पहनाते थे और हम जो कजिन्स हैं वो अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनकर बीच पर छुट्टी मनाने जाया करते थे। ठीक है, अब उस लाफ के पीछे हम देखें तो एक तरीके का पेन भी है, क्यों है, क्योंकि वो दिन वो सोच रही है ये बात कि भाई वो दिन जो है वो वापस नहीं आएंगे, वो दिन वापस जो है वो नहीं आने वाले, इसीलिए उस खुशी के पीछे कहीं ना कहीं एक दर्द भी है, इसीलिए वहां पर आगे लिखते हैं ये कि लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि हम दोनों जो है वो दुख मना रहे हैं कि वो जो दिन है वो वापस नहीं आएंगे, एट द सेम मोमेंट हम हंस भी रहे हैं लेकिन एट द सेम मोमेंट हमें दुख भी है कि हम वो जो पास्ट मोमेंट्स हैं हमारे, हम उन्हें वापस से जी नहीं पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द आयरनी, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये जो फोटोग्राफ चैप्टर है वो अपन यहीं पर खत्म करते हैं, चैप्टर तो क्या है, हमारी जो पोयम है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके अलावा सारे नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से सारे की सारे नोट्स अपने पास रखो, उसमें से पढ़ो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, हम वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सो एक चीज और जो है मुझे बतानी है, दैट इज द वीकली टाइम टेबल। तो ये पूरा आपका टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो भी क्लास जब भी होती है वो सारी क्लासेस जो है वो आप अटेंड कर सको। ग्रामर की क्लासेस 3 बजे होती हैं, ठीक है, तो वो क्लासेस भी आपको रेगुलरली अटेंड करनी है ताकि अगर एग्जाम में आंसर फ्रेम करने पड़े, चैप्टर सारा समझ में आ गया, सब कुछ पता है, अगर बिल्कुल प्रॉपर अच्छी ग्रामर में और अच्छे से आंसर फ्रेम करोगे आप प्रॉपर ग्रामर यूज करके, तो इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स जो है वो आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।